परमाणु से शिमला तक बन रहे फोर लेन के चलते सोलन में पहली बरसात ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। सोलन के रबौन में सनातन धर्म मंदिर के पास पुल के निर्माण के लिए की गई कटिंग से 3 मंजिला मकान को खतरा हो गया है। स्थिति यह हो गई है कि मकान में दरारें आ गई हैं और मकान के आगे बना वर्षों पुराना डंगा भी गिर गया है। यही नहीं, भूस्खलन के चलते मकान के समीप लगाया गया बिजली का खंभा भी इसकी चपेट में आ गया है। हालांकि फोर लेन का निर्माण कर रही कंपनी ने मकान की सुरक्षा के लिए वहां पर मिट्टी गिरानी शुरू कर दी है, मगर इसके बावजूद मकान में रहने वालों में दुर्घटना का भय बना हुआ है। हम आपको बता दें कि इसी तरह के कई मकान फोर लेन के कार्य के चलते हवा में लटके हुए हैं, जो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। मकान मालिक मनीषा शर्मा ने बताया कि वह पिछले कई दिनों से कंपनी के अधिकारियों से डंगे का निर्माण करने का आग्रह कर रही थी ताकि उनका मकान सुरक्षित हो सके, लेकिन अधिकारियों ने उनके आग्रह को अनसुना कर दिया। इसी के चलते आज उनका मकान गिरने की कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने प्रशासन से जल्द डंगा लगवाने की मांग की है। सनातन धर्म मंदिर के साथ रहती हूँ। यहाँ पे इधर नेशनल हाईवे पे काम शुरू हुआ है, इसका काम शुरू हो रहा है, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे इन्होंने यहाँ पुलियाँ बनाना शुरू किया, तो हमारा जो घर है वो एकदम इमीडिएट इसके साथ ही है। तो हमने पीडी सर को, सब लोगों को टाइम टू टाइम फ़ोन कर रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं कि प्लीज़ हमारे घर को बहुत ज़्यादा खतरा है, आप इसको देख लीजिए। लोग आते हैं और आके सिर्फ यहाँ पे देख के उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज यहाँ लगता है कि हम अपने घर के अंदर नहीं जा रहे हैं और सारे में क्रैक्स हैं, मतलब तो किसी भी टाइम हम लोग इतने डर चुके हैं कि किसी भी टाइम ऐसा ना हो कि घर डैमेज हो जाए, लेकिन कोई बॉदरेशन नहीं। अभी भी 2 ट्रक बोल रहे हैं कि मिट्टी के आने वाले हैं, मिट्टी के ट्रक तक नहीं आए हुए हैं अभी तक। अब इस समय हम बहुत ज़्यादा डरे हुए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम लोग इतनी गुहार कर चुके हैं कि आप आएँ प्लीज़ यहाँ पे देखें कि क्या हालत बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। कल को इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेवार होगा, हमारा यहाँ पे डैमेज होता है, या तो इसकी कोई जिम्मेवारी लेके, हाँ हम लोग जिम्मेवार हैं इस चीज़ के लिए सर। तो हम बहुत डरे हुए हैं, अब कल को कुछ अगर मिस हैपनिंग होती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही इसके लिए जिम्मेवार होगा। हम सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट। Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.